हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आई होप सभी आपके घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के लिए यार, 2-3 दिन से मैं एक चीज़ न्यूज़ में काफ़ी सुन रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके तेज गेंदबाज श्री श्री माफ़ कीजिएगा, शोएब अख्तर जी, इन्होंने एक ऑफर किया है इंडिया को कि इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच करवाया जाए अकेले में, और उससे जो भी पैसा कराया जाए वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आधा आधा बांट ले। यार अब क्या ज़रूरत है, अब तो आपको वैसे भी IMF से पैसा मिल ही रहा होगा, थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल रही होगी। यार बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने, शोएब अख्तर जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार आपने ये इंडिया को ही ऑफर क्यों दिया, और भी आपकी पड़ोस में कंट्री है अफगानिस्तान, उसको क्यों नहीं दिया भाई आपने ऑफर? वहाँ पे भी तो है मरीज, उनसे कर लेते मैच। यार हमारी गवर्नमेंट है इस लायक, यार कर रही है, ठीक है हमारी गवर्नमेंट है, कर रही है इस लायक है, कर रही है, वो अच्छा खासा कर रही है, अपने लोगों को संभाल रही है। भले ही हमारे यहाँ पे केस तुमसे थोड़े ज़्यादा हो गए हों, कुछ जाहिलों और बेवकूफ़ लोगों की वजह से थोड़े से बढ़ गए हों, पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट अच्छा खासा हिसाब किताब कर रही है, लेके चल रही है फ्यूचर के हिसाब से। क्यों भाई हम अपने खिलाड़ियों को खतरे में डालें? हम जानते हैं अभी हमारे खिलाड़ियों को बहुत नाम रोशन करना है। आपके यहाँ पे खिलाड़ी हो सकता है कि आपको पढ़ रही हो कि भाई पैसों की ज़रूरत होगी, ये तो पता है भाई, हमें पाकिस्तान को बहुत पैसे की ज़रूरत है, तभी तो उन्होंने पहला मतलब लॉकडाउन करने से आपके प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था, क्योंकि आपकी गुंजाइश ही नहीं है अफोर्ड करने की लॉकडाउन यार। और मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूं, बात मानोगे तो मेरी, आप ये ऑफर है ना इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को दे दो, बहुत चलेगा, बहुत चलेगा भाई, सही में दुबई उबई में करवा लो आप मैच। यार शोएब अख्तर साहब, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप नियत के एक नंबर के साफ इंसान हो, आप इंडिया में आए हो, मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ, ठीक है, आप कितनी गरीबों की हेल्प करते हो, आपका वो जो आपका दिल दिल है वो मैं जानता हूँ, ऊपर वाले ने बहुत साफ बना रखा है, मैं जानता हूँ, और आप अपनी तरफ से भी बहुत हेल्प करते हो, लेकिन यार आप खुद ये सोचो कि क्या ऐसे माहौल में, जब हमारा देश, हमारा मुल्क इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहा है, हमारा फौजी, हमारा डॉक्टर, हमारे पुलिस वाले, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सभी स्वास्थ्य से रिलेटेड संस्थान, या और हमारे क्या नाम है ये जो और बैंक से रिलेटेड हैं या कुछ जरूरी हैं, किसान हमारा, जब हमारे ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो हम अपने खिलाड़ियों को, ठीक है हमारे खिलाड़ी मतलब वहाँ मैच देखने जाए, मैच खेलने जाए। यार आप भी जानते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं इस वक्त, ठीक है, पर भाई ये चीज़ें संभव नहीं है। बीच में हमारे जो कपिल देव जी ने जो आपको जवाब दिया है कि भाई हिंदुस्तान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जी हमारी गवर्नमेंट कर रही है, आप इतना कर रही है कि अपने 1 करोड़ 100 करोड़ 130 करोड़ लोगों को पाल रही है, ठीक है। बस मैं आपसे से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने 22 करोड़ लोगों का ध्यान रखो यार, आप जितना हो सकते हैं आप उनकी हेल्प करो, लेकिन यार ये एडवाइस है ना ये गलत थी यार। ऊपर से फिर आपके वो क्या नाम उनका, शाहिद अफरीदी जी और वो रमीज राजा जी हैं जो, ठीक है, जो अपने अपने और वो दे रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान ने उनको हमारे कपिल देव जी से ये उम्मीद नहीं थी। हमारे सुनील सुनील गावस्कर साहब ने भी ये कहा कि भाई इस टाइम ये चीज़ें सोचना भी बेकार है, आपके लिए सोच भी क्यों रहे हो यार, और अगर सोचना भी है ना तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि यार इंडिया को छोड़ो, आप बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या इनसे भी ना, उसके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी अच्छी अच्छी टीम है, इनसे मैच करवा लो, और इनके साथ आप अच्छे खासे आप खूब पैसा आपको मिलेगा, और फिर आप कर लीजिएगा जो भी आपको करना है। पर भाई हम हिंदुस्तानी अपने खिलाड़ियों को दांव पे नहीं लगा सकते, ठीक है, आई होप आप ये मेरा मैसेज समझ गए होंगे। जय हिंद।